हेलो दोस्तों, आज मैं ये लेनोवो का जो सीपीयू है, आप देख सकते हैं ये लेनोवो का सीपीयू। आज इसको खोलूँगा, इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे मैं देखूँगा कि इस पे 4 GB रैम है कि नहीं, और इंटेल कोर i3 9th जनरेशन है कि नहीं, वो सब देखूँगा, क्योंकि ये प्री बिल्ट पीसी है, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए इसको हम आज खोल के देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले इसका जो बैक साइड पे है ये स्क्रू, इसको खोलना पड़ेगा। इसको हम पहले खोल लेते हैं। इसको इस तरह खोल लिया। इसको इस तरह खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फिर एक स्क्रू खोलने से ये खुल जाता है, और इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेसर है, यहाँ पे प्रोसेसर है, इस पंखे के नीचे जो प्रोसेसर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SMPS है, 40 वोल्ट का है ये प्रोसेसर, ज़्यादा नहीं देता है। अगर मैं प्री जो बिल कर लेता तो इसमें 740 वोल्ट 750 वोल्ट का एक SMPS ले सकता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो मैं नहीं ले पाया। तो ये है इसका SMPS, और इसका ये 1 TB का हार्ड डिस्क है, ये WD Blue वॉन्स्टन डिजिटल ब्लू, ये हार्ड ड्राइव है। और अभी हम इस हार्ड ड्राइव को भी खोल कर देखेंगे। इसके नीचे रैम है, वो मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो साटा केबल है वो खोल लेते हैं इस तरह, और इसका ये जो पावर कनेक्टर है वो खोल लेंगे। फिर ये सब इसको इस तरह थ्री पिन है, इसका जो फ्रंट साइड है वो हम खोलेंगे। इसका जो फ्रंट साइड है वो हम खोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको थोड़ी जोर लगाने से ये खुल गया। ये इस तरह खोलते हैं ये। यहाँ पे आपको जो ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह इसको खोलकर ये देख सकते हैं, ये खुल आया। फिर इसको वापस लगा भी सकते हैं। यहाँ पे मैं बाद में ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे क्लिप लगा दिया, तो इसका साटा केबल भी अभी लगा देता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। फिर आपको अगर दिख सकता है तो यहाँ पे फ्लैश लाइट में थोड़ा ऑन कर लेता हूँ मोबाइल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रू है, एक स्क्रू को फास्ट खोलना पड़ेगा। इसको इसका स्क्रू यहाँ पे खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं बाद में जो ग्राफिक कार्ड है वो इंस्टॉल करूँगा, जो GTA 5 के लिए सही है, नहीं तो GTA 5 बहुत लैग करता है इंटेल इंटेल के प्रोसेसर में। तो यहाँ पे ये स्क्रू खोल गया। फिर इसको यहाँ पे खोल लेते हैं, इसको पहले हटा लेते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं ये फ्रंट पैनल जो खुल गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे स्पीकर माइक का बटन जो था यहाँ पे आ गया है। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये WD का ग्रीन SSD जो हार्ड ड्राइव है, 1 TB का WD का, ये ब्लू ब्लू हार्ड डिस्क है। यहाँ पे बहुत वैरायटी आता है, ब्लू, ग्रीन, वाइट,
ब्लैक भी आता है, उसके बारे में बाद में एक वीडियो में बताऊंगा वो क्या वैरायटी होती है। तो ये है इसका हार्ड ड्राइव, तो इसको साइड में रखते हैं अभी। इसमें एक स्टैंड के तरह स्टैंड भी आता है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं ये है रैम, जो 4GB का रैम है। आप देख सकते हैं ये है इसका रैम, 4GB DDR4 रैम, 4GB रैम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें कुछ नहीं है, इसका ये रैम है। और यहाँ पे जो ये मदरबोर्ड है, इसमें 2 स्लॉट मिलता है रैम के लिए, और ये लेनोवो की तरफ से आता है। यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो अच्छी तरह, तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक ग्राफिक कार्ड के लिए स्लॉट भी मिलता है, PCI एक्सप्रेस स्लॉट 16X है ये। आजकल लगभग सभी PC में ऐसे ही स्लॉट आता है। और यहाँ पे PCI 1X स्लॉट आया है यहाँ पे। यहाँ पे आप साउंड कार्ड या फिर कुछ और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा जो दिखाई दे रहा है आपको, 2 है PCI एक्सप्रेस स्लॉट, 1 है और नीचे का 16 है। नीचे में ग्राफिक कार्ड और ऊपर में साउंड कार्ड या फिर USB कुछ लगा सकते हैं इसमें। तो ये है इसका स्पेसिफिकेशन, जो इसमें क्या क्या भाग है। तो आपको इसको लगाने के पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्ड है, कटआउट, और इसमें भी एक कटआउट है। तो इस दोनों के कटआउट में, इसको थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह बैठा दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों बंद हो गया अपने आप। तो बाद में मैं यहाँ पे और एक रैम लगाने वाला हूँ, तो ये बाद में होगा। तो बाद में एक रैम यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इंस्टॉल करूँगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो केबल यहाँ पे आया है और यहाँ पे लगाया गया है इसमें पावर देने के लिए। और यहाँ पे CPU के लिए डेडिकेटेड एक केबल आया है, और ये CPU को पावर देने के लिए यहाँ पे आ गया है, एक केबल दिया गया है। और इसका जो पंखे का केबल है आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है, ये पंखे का केबल है, जो पंखा घूमने के लिए सही है पावर वो यहाँ से लेगा। तो और यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आप USB और लगा सकते हैं। USB आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं पीले रंग कलर का, तो ये देख सकते हैं। फिर सामने की तरफ से आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है 4 USB पोर्ट, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन ये, और ये लाइट है जो ऑन ऑफ करता है, ये लाइट दिया गया है इसमें। और यहाँ पे आपको एक खाली स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे आप CD भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो DVD ड्राइव है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे दिया गया है। तो ये था इसका स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे लगभग सब कंप्लीट हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे और एक मिलता है कि यहाँ पे आप और एक स्लॉट मिलता है साटा के लिए, साटा केबल के लिए और एक स्लॉट दिया गया है। यहाँ पे आप और एक जो SSD लगा सकते हैं या फिर DVD ड्राइव भी यहाँ से लगा सकते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे दिया गया है।
तो ये है इसमें। दूसरे जो कंप्यूटर में दूसरे दिया जाता है वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ही आपको एक WD ग्रीन जो हार्ड ड्राइव के लिए एक डायरेक्ट SMPS से ही दिया जाता है, लेकिन ये प्रीबिल्ट पीसी है इसीलिए इसमें आपको यहाँ से दिया गया है केबल, दूसरा कोई स्पेस नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ध्यान से देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बैटरी दिया गया है जो कंप्यूटर में टाइम या फिर ये सब बताता है, इसीलिए इसको दिया गया है। तो मैं अभी इस CPU को नहीं खोलूँगा क्योंकि यहाँ पे जो थर्मल पेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा अगर मैं निकाल दूँगा। तो मेरे पास अभी थर्मल पेस्ट नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा अगर थर्मल पेस्ट टूट गया या फिर कुछ हो गया। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये देख सकते हैं इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है इंटेल Core i3 9th generation। तो ये था इसका स्पेसिफिकेशन। तो बात इसको हम अभी इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल तो मैंने रैम कर दिया है और एक रैम यहाँ पे लगाने के लिए एक स्लॉट दिया गया है, डबल रैम स्लॉट यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो पहले हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रू निकाला था, जो वो स्क्रू यहाँ पे लगा देता हूँ। इसमें जो स्क्रू है वो लगाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अंदर है, इसको मैं लगा दिया हूँ। ये था इसका इंस्टॉलेशन। अभी मैं जो फ्रंट पैनल है वो अभी मैं लगाऊंगा। ये देख सकते हैं इसमें भी एक स्लॉट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं USB 0.2 का ये सपोर्ट है फ्रंट साइड में। अगर यहाँ पे कुछ टूट जाए तो मेरा तो बर्बाद हो जाऊंगा GKG। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह फिट हो गया ये फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड को इसीलिए खोलना पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको निकालने के लिए फ्रंट साइड को निकालना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं फिर इसमें मैं लगाऊंगा अभी जो ग्राफिक कार्ड है वो मैं 2 दिन के बाद एक वीडियो लाऊंगा उसमें मैं लगाऊंगा। अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड ऑर्डर दिया है लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। उसके लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक दूसरा गेमिंग चैनल भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ GTA 5 से। वहाँ पे मैं GTA 5 ऑनलाइन प्ले करूँगा, तो आप वो चैनल भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी के लिए ये जो है प्रोसेसर CPU हो गया है पूरी तरह। वो रुकिए थोड़ा रुकिए। ओहो मैंने तो एक चीज भूल गया था, ये लगाना ही भूल गया था। ये देख सकते हैं ये दोनों, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लग गया पूरी तरह। तो ये हो गया इसका इंस्टॉलेशन गाइड पूरी तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाद में मैं यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल करूँगा ग्राफिक कार्ड। तो चलिए वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अभी ये पूरी तरह इंस्टॉल हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों आप मुझसे जुड़ने के लिए और
आप मुझसे कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट पे ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और उस गेमिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद।